फोटो, या 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 यू कैन टेक फोटो, फोटो या 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 की अगर भाई मैं यहाँ दिन भर रुक गया ना तो 100 के ऊपर फोटो हो जाएगी। तुम्हारा भाई फेमस हो गया यार। ये देख के आप सोच सकते हो कि इसको 2200 साल पहले दफन किए थे। इसमें 8000 सोल्जर हैं, 520 घोड़े हैं और 130 चैरियट हैं। मरने के बाद साथ में अगर चीजें दफनाएंगे तो उनके आफ्टर लाइफ में मरने के बाद की जिंदगी जो होती है उसमें काम हो गए। इसलिए वो भाई 8000 सोल्जर को दफन किए थे साथ में। और भाई सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि ये भाई 2150 साल तक जमीन के अंदर दफन था और ये डिस्कवर हुआ सिर्फ 1974 में, आज से तकरीबन 50 साल पहले। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं चाइना के शांगशी प्रोविंस के कैपिटल शियान में मौजूद हूं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को मालूम होगा मैं इनर मंगोलिया से ओवरनाइट ट्रेन लेके शियान पहुंचा। और अगर शियान की बात करो तो यार एक बहुत ही ज़्यादा एंशियंट शहर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ देखने मिलेगी। तो यार आज के मेरे पहले दिन में शियान के मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ यार। आप लोगों में से कुछ लोग जानते रहेंगे भाई टेराकोटा आर्मी के बारे में, जो 8000 सोल्जर एक साथ दफन कर दिया गए थे आज से तकरीबन 2200 साल पहले। तो मैं सोचा भाई पहले दिन ही आप लोगों को वो यूनिक चीज़ दिखाऊं, क्योंकि यार पिछली बार जब मैं चाइना आया था तो वो दिखा नहीं पाया था यार। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऐसे चार्ज होती है। यहाँ पर पेट्रोल पंप से ज़्यादा आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्टेशन देखने मिलेंगे। ऐसी आप खाली अपनी गाड़ी लेके आइए, वहाँ से पेमेंट करो और यहाँ से चार्ज कर दो। तो यार चाइना काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। और आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है आप लोगों को। मैं शियान सिटी का थोड़ा टूर भी दूंगा और साथ ही साथ वो टेराकोटा आर्मी दिखाऊंगा। भाई अब हमारे मोदी जी भी विजिट कर चुके हैं टेराकोटा आर्मी को। मतलब टेराकोटा आर्मी के बारे में तो आप लोगों को मैं वहाँ बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि भाई मतलब 2200 साल पहले इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ कैसे बना सकते हैं यार। मतलब कितना प्रिसाइस और कितना ज़्यादा, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के लोग इतना काम करते थे। और शियान शहर के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन तकरीबन 1,30,00,000 है और ये थोड़ा चाइना के शहरों से जो बहुत ज़्यादा डेवलप शहर है उससे थोड़ा सा कम वैसा दिखता है। और यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो भाई यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर 8-10 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे, और बाकी जहाँ से हमारे वहाँ तो भाई -10-15 था। तो यार ठीक है, ज़्यादा कुछ ठंडी नहीं है तो मज़ा भी आ रही है एक्सप्लोर करने। तो यार बहुत बात कर ली, आप चलते हैं भाई यहाँ के मेट्रो स्टेशन और निकलते हैं टेराकोटा आर्मी के लिए। और भाई टेराकोटा आर्मी शहर से थोड़ा सा दूर की साइड पे तकरीबन 35-36 किलोमीटर दूर है, तो दो मेट्रो बदल के जाना पड़ेगा और वहाँ से एक और बस लेना पड़ेगा। तो देखते हैं सारा कैसा प्रोसेस होने वाला है, 1.5 घंटा तकरीबन लग जाएंगे। तो चलते हैं, देखिए दूर पे वहाँ पर ही है मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पहुँचते हैं और हमारे सफ़र पे निकलते हैं। साइकिल तो जैसे भाई दुकान लगा के रखे, कई 100 साइकिल खड़ी हुई है यार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। लोग क्या करते हैं, अपने घर से यहाँ तक साइकिल पे आते हैं और यहाँ से मेट्रो से निकल जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कितनी सारी साइकिल देखने मिलेगी। और एकदम सेट प्रॉपर लगी हुई है भाई, गिरी पड़ी नहीं है। तो देखिए ये है शियान मेट्रो स्टेशन। चलिए भाई देख सकते हो हम आ गए हैं शियान मेट्रो में। और यार सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है यहाँ से। ये स्टेशन का नाम है चांगले मैन और यहाँ से मुझे 10 स्टॉप बाद एक स्टॉप पर उतरना है जिसका नाम है फंगजी चैन। फिर उसके बाद भाई दूसरी ट्रेन लेना है, वहाँ से 11 स्टॉप बाद उतरना है। फिर उसके बाद भाई बस लेना है और 11 स्टॉप बाद उतरना है। देखिए कितना ज़्यादा बड़ी जर्नी होने वाली है भाई, तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, टिकट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से टिकट मिल जाती है। मेरे पास अली पे है तो वहाँ से मैं पे कर देता हूँ। यार दो मेट्रो जर्नी के बाद हम निकल गए हैं देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर, और अब यहाँ से भाई बस लेना है। लेकिन बस भाई मुझे पहुँचाएगी 48 मिनट में, तकरीबन 48-50 मिनट लग जाएगा, और जबकि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। ये देखिए 613 नंबर जो बस देख रहे हो आप, ये बहुत घूम के जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ यहाँ से 7 किलोमीटर है तो टैक्सी ले लेता हूँ यार, जल्दी ही पहुँच जाएंगे, थोड़ा आसानी से होगी। और देखिए बस जो खड़ी है ना, ये अभी भी नहीं चलेगी, कम से कम 20 मिनट बाद चलेगी। और यहाँ पर देखिए टैक्सी वाले भाई लोग खड़े हुए हैं, क्या बात है। और नज़ारा तो मैं देखा ही नहीं पीछे, कितना सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ सीन है, टैक्सी वाले भाई लोग से पूछते हैं कि मुझे टेराकोटा आर्मी जाना है, कितना पैसा लेंगे, पूछता हूँ मैं। तो ओके चलो भाई चलो। क्या बोल रहे कि भाई पार्किंग की भी फीस लगती है, अच्छा उधर जाना है तो बोल रहे पार्किंग की भी फीस लगती है, तो मेरा जान दो यार अभी 10 युआन के लिए कहाँ वो करना है, जल्दी जल्दी हम निकलते हैं। और नज़ारे देखिए यार, क्या प्यारे से रोड है और क्या प्यारा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, और सारी बसें वगैरह देख सकते हो, मस्त लग रहा है। तो ये हमारे भाई के साथ हम सफ़र स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारा, और ये मेट्रो स्टेशन से हम आए हैं। ये क्या इतनी बड़ी बड़ी चीज़ लगी है यार, चलिए चलते हैं। ओ भाई साहब यहाँ के तो नज़ारे देखा ही नहीं मैं, देख सकते हो पूरे पहाड़ है पीछे यार, मेरी नज़र ही नहीं गई उस तरफ से। ये तो सारी कुछ देख रहे हो, ये पहाड़ है, अभी थोड़ा कोहरा सा है इसलिए प्रॉपर दिख रहा नहीं है। और शहर देखिए यार काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है यार।
हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर भीड़ देखिए यार, चाइना के भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेंगे। यार यहाँ पर तो हालत खराब होने वाली लग रहा है जो हिसाब से भीड़ है यहाँ पे। ये तो अभी स्टार्ट हुए, अभी तो टेराकोटा आर्मी का वो तो बहुत आगे है, उससे ही पहले यहाँ पर ऐसे सब भीड़ देखने मिल रही है। तो यार देख सकते हो ये पीछे टैक्सी से हम उतरे हैं और यहाँ पर उतरते साथ आप लोगों को ऐसे काउंटर मिल जाएंगे और ये भाई डायरेक्ट टैक्सी के पास ही आके मुझे बोले कि भाई आपको टिकट बुक करना है तो इधर आओ, तो अब क्या प्रोग्राम है, शायद कुछ कमीशन लेंगे, ये क्या सीन है। Do you have WeChat? I have Alipay. Alipay or cash? Cash. I have cash. Do you need a card? No, I don't need a card. Because, you know, inside that is paying just about 10,000. I have studied about that, so I know. Yeah. If you do not have WeChat Pay, you just need to go to the office, ticket office. Yeah. Okay, card. There? Yes, sir. Thank you so much. तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, वो भाई गाइड ही थे यहाँ पर। हर गाइड देख सकते हो ना थोड़े थोड़े दूर पे ना, ये देखिए ऐसे जो छतरी लेके खड़े हैं ये सारे जो हैं, ये कुछ गाइड लोग हैं जो आपको भाई उतरते साथ ऑफर करने लग जाएंगे कि अगर आपको गाइड चाहिए यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए तो आप ले सकते हैं। Thank you so much. You have a whole script also, and you can show you more case study information. Thank you so much. No, thank you. यार ये ऐसा आके आपको बोलते रहेंगे कि मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाएंगे, अभी क्या बोले कि ये कुछ स्पेशल चीज़ डिस्कवर की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है भाई। ये मैं इसके बारे में देख चुका हूँ, कुछ वो नहीं रहता, और उससे ज़्यादा तो भाई मैं पके आया हूँ। तो यहाँ से कुछ टिकट निकालना है, यहाँ से निकालना है वो पता लगाते हैं, और टिकट निकाल के अंदर चलते हैं और आप लोगों को सारा सीन और डिटेल दिखाते हैं। तो यार हम जहाँ से टैक्सी से उतरे थे वहाँ से काफ़ी दूर चल के आना है, तो यहाँ पर आपको टिकट ऑफिस देखने मिलेगी। और भाई लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सारे टूरिस्ट और ये सारे जो भीड़ देख रहे हो आप, ये सारे ऑलमोस्ट 99.9% चाइना के ही हैं यार। यार जो चाइना के टूरिस्ट स्पॉट है उसको भाई फॉरेनर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चाइना वाले इतने ज़्यादा खुद ही आ जाते हैं दूसरी पार्ट से चाइना के कि उन लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये रहा टिकट ऑफिस, तो चलते हैं भाई टिकट यहाँ से बुक करते हैं और देखते हैं भाई टिकट कितने की मिलती है, कहाँ से एंटर करना है देखते हैं। तो देख सकते हो अगर आपको टिकट ऑनलाइन बुक करना है तो यहाँ पर QR कोड बना हुआ है, WeChat से स्कैन करो और पेमेंट करके टिकट निकाल लो। लेकिन भाई मेरे पास WeChat वाला जो पेमेंट है वो अभी डाउनलोड नहीं किया, मेरे पास Alipay है, तो अंदर कैश से टिकट निकालते हैं। यहाँ पर कैश से टिकट मिल जाएगी, क्या बात है यार, टिकट ऑफिस तो खाली खाली सी लग रही है, सारे लोग ऑलमोस्ट कैश से ही निकाल लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं बूढ़े जो यूज़ नहीं करते ऑनलाइन पेमेंट वो यहाँ पर रुके हुए हैं, और वो बूढ़ों के पीछे मैं भी खड़े हो जाता हूँ। तो यार देख सकते हो टिकट लेके निकल गया हूँ और ये टिकट मुझे मिली है 120 युआन की, जो कि होते हैं 1400 रुपये। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं कि भाई फॉरेनर है तो उसके लिए ज़्यादा और यहाँ के लोग है तो कम, सबके लिए भाई 120 युआन की है, 1400 रुपये के लिए सबकी है। तो अब चलते हैं यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी है, वो क्यों बड़ी छोटी है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर चाइनीज़ में लिखी हुई है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, कौन सी लाइन से जाना है वो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। छोटी लाइन से चलते हैं भाई, फॉरेनर हो तो कोई भाई बोलेगा भी नहीं, चलते हैं अंदर। यहाँ पर एंटर होने के लिए भाई पासपोर्ट भी लगा, पासपोर्ट भी देखते हैं, और टिकट वगैरह जो सारी है वो बुक करते टाइम आपको पासपोर्ट दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है, अगर आप टिकट नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर जाना है, हाँ यहाँ से बैग रख लेता हूँ, सिक्योरिटी चेक होती है फिर अंदर स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो हम चेक इन वगैरह करा के अंदर आए हैं, और यहाँ से अब हमको 750 मीटर दूर जाना है, वहाँ पर भाई उसके बाद सारा प्रोग्राम रहेगा, और 750 मीटर ऐसे पार्क जैसी जगह से हमको चल के जाना है, जो कि माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है, तो 700-800 मीटर 1 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो एक छोटी सी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में चीज़ें देखने मिलेगी, यहाँ देख सकते हो यूर हम यहाँ पर है और हमको यहाँ जाना है, ये पूरा चल के ऐसा जाना है तकरीबन, जैसे कि आप लोगों को बताया ये कुछ है 700-800 मीटर, और देखिए यहाँ पर pit 1, pit 2, pit 3 ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो चलते हैं और अब से आगे मिलते हैं। यार मौसम मस्त हुआ यार, देखिए पीछे पहाड़ सा है, कश्मीर में जैसे गार्डन वगैरह होते हैं ना ये वैसा कुछ लग रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर ना अभी थोड़े दिन पहले बर्फ़ गिरी थी, यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि 3 दिन पहले बर्फ़ गिरी थी, और अभी टेम्परेचर 8-9 डिग्री है लेकिन यहाँ पर बर्फ़ गिरी थी, और जहाँ मैं था 15-18 डिग्री थी लेकिन वहाँ बर्फ़ नहीं गिरी थी, यहाँ पर गिरी थी। मुझे तो भाई ये जो रास्ते का सीन है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार, क्या बात है, मतलब यहाँ सीट वगैरह बनाई गई है, आप यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। अगर सुबह आए ना आप, अगर आप सुबह यहाँ पर आए ना, ये सुबह 8:30 बजे खुलता है और शाम में 6-6:30 बजे बंद होता है, तो अगर आप सुबह आए तो आराम से पार्क में भी घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है बैठने की, पहाड़ का व्यू इन्जॉय करो फिर आराम से पूरा दिन भर एक्सप्लोर करो, तो काफ़ी अच्छी जगह है यार। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, देखिए वहाँ पर आप देख सकते हो बस चल रही है, देखिए
अगर आपको यहाँ से नहीं आना है, बस से आना है, तो वहां पर बस सर्विस भी अवेलेबल है। 700 मीटर के लिए बस क्या ही लेंगे भाई, इतने अच्छे व्यू को छोड़ के वो बस से क्यों आएंगे, उसका भी कुछ अलग से फीस रहती है। यार इतनी सरप्राइजिंग चीज देखा मैं, जितने भी सारे बूढ़े लोग हैं वो सारे लोग पैदल आ रहे थे, और ये देखिए भाई जितने भी जवान टीनेजर लड़के लोग हैं कैमरा वगैरह लेके, वो लोग भाई गाड़ी से आए हैं। देखिए भाई 20-22 साल के लड़के गाड़ी से आ रहे हैं, और ये देखिए ऐसे बूढ़े चाचा लोग सब यहाँ पर पैदल आ रहे हैं एंजॉय करते करते। तो यार अलग ही सिस्टम है यार, 700 मीटर नहीं चल पा रहे हैं लोग बोलो, और यहाँ बूढ़े लोग एंजॉय करते करते आ रहे हैं रास्ते में। और साफ सफाई भाई देखिए एकदम अप टू डेट रहती है यहाँ पे। यहाँ के मेन जगह पे पहुँच गए हैं, और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई, चारों तरफ आपको खूबसूरत से पहाड़ देखने मिलेंगे। जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में डिटेल दे दूं, ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा मतलब ये होता है जो फायर्ड क्ले होती है, जो फायर्ड मट्टी होती है, उससे बनाई हुई चीज़ है। तो यहाँ पर आपको 8000 सोल्जर देखने मिलेंगे, जो कि 2200 साल पुराने, 2200 साल पहले बनाए थे, आज भी वैसे हैं, और साथ में 520 घोड़े हैं और 130 चैरियट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी अलग अलग। ये बनाया गया था भाई चाइनीज़ फर्स्ट एम्परर के द्वारा, जिनका नाम है चिंगशियोंग, और वो इसलिए बनाए थे भाई, जैसा इजिप्शियन में बिलीव होता था कि मरने के बाद साथ में अगर चीज़ें दफनाएंगे तो उनके आफ्टर लाइफ में मरने के बाद की जिंदगी जो होती है उसमें काम हो गई, इसलिए 8000 सोल्जर को दफन किए थे। साथ में अपने म्यूजिशियन भी थे, साथ में घोड़े वगैरह इतनी सारी चीज़ें डाल के रखे थे ताकि उनको आफ्टर लाइफ में काम आए। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि ये भाई 2150 साल तक ज़मीन के अंदर दफन था, और ये डिस्कवर हुआ सिर्फ 1974 में, आज से तकरीबन 50 साल पहले। एक फार्मर था और उसके भाई थे, वो मिलकर ना कुआं खोद रहे थे। जब वो खोदना स्टार्ट किया ना तो भाई इनको अजीब अजीब चीज़ें दिखने मिली, तो उनको लगा कि भाई बड़ा कुछ सोना हाथ में लग गया है। फिर बाद में धीरे धीरे जब मालूम पड़ा और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पुलिस वगैरह को बताया, तो इतनी बड़ी डिस्कवरी मालूम पड़ी कि भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी है अब तक की। पूरा हंगामा हो गया था चाइना में, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया था कि भाई इतनी अजीब इतनी अलग चीज़ यहाँ पर देखने मिली। फिर उसके बाद ये जो म्यूजियम है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद है, ये 1979 में उसके 5 साल बाद इसको कंस्ट्रक्ट करना चालू किए, इसको डिग किए, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर किए। और ये बोलते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, और भी कितनी सारी चीज़ होगी जो मिली नहीं आज तक। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। और इस तरफ वाले पूरे रूम में देख सकते हो, यहाँ पर जो अंदर नीचे है और जो सारी चीज़ें हैं ना भाई, वो ज़मीन के नीचे है, ऊपर नहीं है। जो हम ज़मीन पर हैं ना इस वक्त, उससे 20-30 मीटर नीचे ज़मीन में दफन है। हेलो हेलो, थैंक यू, थैंक यू। तो यार यहाँ पर वही फोटो लेने वाला सिलसिला चालू है। तकरीबन मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं 17 लोगों को फोटो दे चुका हूँ अभी तक, और मुझे एंटर हुए सिर्फ 25-30 मिनट, आधा घंटा हुआ है, और मैं भाई तकरीबन भाई 17 लोगों में गिन रहा हूँ, 17 लोगों को फोटो दे चुका हूँ। तो यार जब फोटो लेते हो तो कैमरा चालू करना अच्छा नहीं लगता, जब कैमरा चलते रहता है तब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ भी एक टूर ग्रुप है, तो हम चलते फोटो। या यू कैन टेक फोटो। आ जाओ, देखो सब फोटो ऐसी लाइन से ले रहे हैं, तो आराम से। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों को बता रहा था भाई, 17 से नंबर अब हो गया 20, तो 20 लोगों को मैं फोटो दे चुका हूँ, और ऐसा सिलसिला चलते रहता है। तो चलते हैं भाई, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पहले ये जो मेन जगह है उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी अलग वाली जगह दिखा दूँ, जहाँ पर सारी इसकी डिटेल दी गई है और जो चीज़ एक्स्ट्रा मिली है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर वहाँ से इनका गाँव दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को मेन जगह लेके चलता हूँ। तो यार जो पहली बिल्डिंग में घुसूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अलग से सोल्जर मिले थे, जो अलग से स्टैचू वगैरह मिले थे, जो आर्मी से अलग थे, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ जो फोटो वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और ये देखिए भाई पहली झलक, ये तो फोटो बने हुए हैं, मैं भी असली में भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब जो 8000 वॉरियर है ना, वो हर वॉरियर के बाल से लेके भाई दाढ़ी से लेके भाई फेशियल फीचर सब अलग है, मतलब ओरिजिनल आदमी को देख के बनाए थे ये। ऐसा कुछ फेशियल फीचर और सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। और यहाँ पर कुछ वो भी रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले। ये देखिए यहाँ पर भी एक रखे हुए हैं। तो ऐसे जो अलग से सोल्जर मिले थे ना, उनको यहाँ पर रखे हैं, और जो पूरी आर्मी है वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये देखिए भाई 2200 साल पुराना, यार लग रहा है देख के, क्या बात है यार। कंडीशन देखो ना यार, ऐसा है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि हजारों साल चल जाएगा यार। यहाँ पर भी एक रूम है, यहाँ पर सारी फोटो वगैरह दिखाई गई है। तो ये जो देख रहे हो ना भाई, ये कब्र है अंदर, जो स्केलेटन वगैरह पड़े हुए हैं, ये कुछ जो लोग हैं जो टेराकोटा आर्मी बनाए थे 2200 साल पहले, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर दफन थी। वो 1979 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो डिस्कवर हुई भाई, ऐसी आर्मी मिली थी ज़मीन के अंदर से। अभी मैं आप लोगों को सामने से भी दिखाता हूँ, लेकिन आप फोटो देख सकते हो, सारे फोटो पे देखिए कैसे पेंटिंग बना के रख दिए हैं। तो ऐसी पूरी आर्मी ज़मीन के अंदर से मिली है यार, क्या बात है यार। मतलब दफन करके रखे थे इनको,
चलिए आप लोगों को मैं भाई अब ओरिजिनल में दिखाता हूँ। तो यार तीन में से जो पहली बिल्डिंग थी, जो मतलब बेसिक से सारी चीजें थी, यहाँ पे फोटो वगैरह था, वो आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल के इतने सारे लोग आए हैं, स्कूल की इतनी सारी पिकनिक आई है ना भाई। मतलब जो आधे से आधे यहाँ लोग हैं ना वो स्टूडेंट आए हैं। लेकिन एक चीज भाई मानना पड़ेगा, मेरा सबसे गोल्डन रूल है कि बच्चे लोग को फ्री मत करो। बच्चे लोग मतलब इन द सेंस छोटे बच्चे नहीं, जो स्कूल वाले होते हैं भाई, जो 12 13 14 15 साल वाले, 8वीं 9वीं 10वीं वाले, वो लोग कैसे ना भाई खिकी हंसेंगे और थोड़ा सा परेशान करेंगे। ऐसा हर जगह होता है भाई, हमारे यहाँ भी होता है। अंग्रेज देख लेते तो भाई हंसते हैं, मजा उड़ाते हैं, लेकिन भाई इतने रिस्पेक्टफुल, इतने ज़्यादा अच्छे, और मतलब क्या बोलूँ, लोग मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। 30-40 लोग का ग्रुप है, अगर मुझे देख रहे हैं ना भाई, मुझे पहले भेज रहे हैं और ऐसा बैंड होकर भाई वेलकम कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट की, फॉरेनर्स की। दिल खुश हो जाता है यहाँ आके। मत तो बात करते करते भाई ये दूसरी बिल्डिंग में आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या देखने मिलता है। देखिए यहाँ पर सुवीनियर वगैरह मिल रहा है, अंदर चलते हैं। तो यार जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पर तीन पिट है। एक तो आप लोगों को दिखा दिया, वहाँ पर सिर्फ फोटो वगैरह, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। तो दूसरी पिट है, वहाँ पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर भाई 8000 में से 1300 सोल्जर यहाँ से मिले थे, लेकिन कुल सोल्जर की हालत देख सकते हो यहाँ पर, वो ख़राब है, पूरी टूट फूट गए हैं। देखिए जो पड़े हुए हैं ये सब टूट गए हैं, इसकी साइज़ जो है ये कम है। वो जो तीसरा वाला पिट है ना, जो सबसे मेन है, जो अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो भाई उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 250 मीटर है, 125 किलोमीटर है, इतना लंबा है। और वहाँ पर सारे सोल्जर देखने मिलेंगे। यहाँ पर तो देख सकते हो पूरा खाली हो गया, और जो कुछ बने घर वगैरह वो टूटे फूटे से लग रहे हैं। तो अब चलते हैं सबसे मेन और तीसरे वाले की तरफ में। तो भाई यहाँ पर भी फोटो का सिलसिला, गिनना भाई कितना हो गया, अभी 20 हो गया है। अब यहाँ पर कितना होता है नंबर, चार लोग हैं अब इनकी बारी। थैंक यू शेषे, बाय बाय। तो जैसा कि आप लोगों को बताया भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचर देख सकते हो और सारी चीज़ देख के समझ ही सकते हो। और मतलब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप देख ही रहे हो यार। अभी कितना हो गया, 20 से 24 हो गया, 24 लोगों को फोटो दे दिए। अगर भाई मैं यहाँ दिन भर रुक गया ना तो 100 के ऊपर फोटो हो जाएगी। तुम्हारा भाई फेमस हो गया यार। ये लाल कपड़े वाले ना भाई सारे स्टूडेंट हैं। भाई चाइनीज स्कूल में कैसा होता है, स्कूल का टूर वगैरह होता है ना, वो हिस्टोरिक जगह लेके आते हैं, अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं। आप लोगों को एक अलग बात बताता हूँ, ये वीडियो के टॉपिक के हटते हैं। जो चाइनीज स्टूडेंट होते हैं, जो चाइनीज बच्चे होते हैं, उनको भाई ये पढ़ाई वढ़ाई जैसा हमारे यहाँ होती है ना, वैसी पढ़ाई नहीं होती। यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे हारिस भाई बता रहे थे, हारिस भाई यहाँ पे टीचर है, वो बोले थे भाई अगर 6 घंटा स्कूल होती है ना, उसमें से 1 घंटा पढ़ाई होती है और बाकी सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है। अगर कोई बच्चे को पेंटिंग पसंद है ना तो पेंटिंग करवाते हैं, कोई बच्चे को अगर कुछ मशीन बनाना पसंद है तो वो बनाते हैं। तो यहाँ पर लोग ना भाई स्किल पे काम करते हैं, ताकि भाई बच्चा बड़ा होकर कुछ डेवलप करे, कुछ इन्वेंशन करे। हमारे यहाँ जैसे नहीं मैथ साइंस और ये सब पढ़ाते हैं, वो जो 1 घंटा देते हैं ना 6 घंटे में से, उसमें भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं और कुछ सब्जेक्ट पढ़ा लिए, बाकी पूरा प्रैक्टिकल होता है, स्पोर्ट्स होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेंशन करने के लिए चीज़ें सिखाते हैं। तो यार स्कूल का तभी तो भाई इतने इंटेलिजेंट लोग निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए भाई अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सबसे मेन जगह पे। एंटर करते साथ यहाँ पर थोड़ी डिटेल दी गई है, अगर किसको अच्छे से जानना है तो उसको पॉज करके पढ़ सकता है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी है भाई, देख सकते हो ये पिट नंबर 1 है और इसमें है 6000 वॉरियर्स हैं और कुछ घोड़े हैं। चलिए भाई आप लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ। क्या बात है यार, ऐसी जगह पर जब जाओ ना जो फीलिंग आती है ना यार, जो चीज़ फोटो में और नेशनल ज्योग्राफी के पूरा इसका प्रोग्राम है, तो वहाँ पे चीज़ देखे और यहाँ पर देखे तो अलग वो इम्प्रेशन होता है। तो देखते हैं भाई पहला इम्प्रेशन कैसा रहता है। तो यार देखते हैं भाई साहब, कितना ज़्यादा मैसिव और कितना ज़्यादा अलग लग रहा है यार। यार लिटरली मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। इनके चेहरे देखो भाई, बाप रे बाप कितना है। और ये जो लेंथ देख रहे हो ये 125 किलोमीटर है, 250 मीटर है पूरा यहाँ से वहाँ तक। और देखिए सारे सोल्जर, कुछ उसमें से टूट गए हैं लेकिन देखिए भाई 6000 वैसे प्रिजर्व हो गए। बाप रे बाप भाई, पहले मैं खुद अच्छे से देखता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पर 8000 सोल्जर हैं तीनों पिट मिला के, और साथ ही साथ भाई 520 घोड़े भी हैं। तो देखिए 4 घोड़े यहाँ पर हैं, बीच में कुछ जगह खाली है, कुछ वहाँ पर होएगा वो टूट गया। लेकिन आप देख सकते हो यार काफ़ी डिटेल में चीज़ें, और मुंह देखिए यार इनका, इतना जूम होगा कि नहीं, देखिए कंप्लीट जूम किया हूँ आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और भाई ये पूरे 8000 के 8000 की, जैसा कि बताया आपको, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती है, सब एक दूसरे से अलग है। देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेराकोटा जो आर्मी थी, जो वॉरियर्स थे, उसको कैसे बनाए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार किए, फिर उसको ना भाई आग में बेक कर दिए, पूरा अच्छे से बेक किए, कड़क किए, फिर उसके बाद भाई इनमें कलर भरे। अभी देख सकते हो उसमें कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई 2200 साल पहले इसमें कलर हुआ करता था। अब भाई इतना टाइम हो गया तो कलर तो निकल ही जाएगा। और इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ जो लाइफ साइज़ होते थे, मतलब जो नॉर्मल साइज़ होती थी आदमी के, वही साइज़ में था। और यहाँ पर इस वाले बोर्ड में लिखा हुआ है कि भाई इनके हाथ में एक्स थी, किसी के हाथ में भाला था, किसी के हाथ में सोर्ड थी, किसी के हाथ में नाइफ थी। तो ये जितने भी खड़े हैं ना हाथ ऐसे लेके, सबके हाथ में हथियार था भाई। वो सारा कुछ अभी निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ करता था। यार मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया, तो यार बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस हुआ देख के। मैं लिटरली भाई आधा घंटा खड़े होकर खुद अकेले देखा, उनके फेस देख रहा था, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक आदमी दूसरे आदमी से मैच करता ही नहीं, पूरे 8000 के 8000 पे रिसर्च हुई है, किसी का मुँह एक दूसरे से मिलता नहीं है। और भाई जो कैमरे में दिखता है ना भाई, वो सामने दिखने से बहुत अलग होता है भाई। सामने पूरी चीज़ें एकदम प्रॉपर पर एकदम अच्छे से दिखती है, जो कैमरे पर नहीं दिख पाता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम प्रॉपर और अच्छे से दिखाऊँ। देखिए ये लोग भी फोटो खिला रहे लग रहा है। यार अब नंबर मुझे याद नहीं कितना नंबर हुआ, आप लोग बताना कि भाई कितना नंबर हो गया मेरा फोटो खिंचाने का। आ जाओ आ जाओ, 100 के ऊपर हो जाएगा अभी। Okay, good. Okay. 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 Thank you. तो यार अब कितना फोटो हुआ मुझे मालूम नहीं, और मैं गिन भी नहीं पाया कितने सारे लोग हैं। तो भाई आप जो वीडियो देख रहे हो वो बताना कि भाई मेरा कितना फोटो हो गया है। मेरा ख्याल है कुछ 35-37 हो गया होगा, और बहुत सारे लोग ना भाई बोलने शर्मा रहे हैं, अरे नहीं तो भाई 100 के ऊपर हो जाए। तो ऐसा कुछ माहौल और ऐसी कुछ रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर। यार मज़ा आ गई आज तो, बहुत मज़ा आ गई भाई। हम हिस्ट्री भी देख लिए, जो चीज़ को इतने साल से देख रहे थे वो भी देख लिए, और इतना अच्छा वेलकम और इतना अच्छा स्वागत और इतना अच्छा मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं यहाँ के लोग, मज़ा आ जाती है। तो यार अब निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलने के लिए हुजूम देखिए कैसा लगा हुआ है। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और यार मैं 2 घंटे में क्यों निकल रहा हूँ, देख सकते हो 4:20 हो गए हैं, यहाँ पे सनसेट 5:20 हो जाता है यहाँ शियान में अभी के टाइम पे। तो यहाँ से पहुँचने में मुझे 2 घंटा लगेगा, अगर टैक्सी लिया तो 1:10 लगेगा। तो देखते हैं बाहर निकल के क्या प्रोग्राम बनता है। और भाई जैसे कि आप लोगों को बताया था कि शियान में मुस्लिम बहुत सारे हैं, तो देखिए यहाँ पर मुस्लिम दुकानें आप लोगों को देखने मिलेगी, यहाँ पर टोपी लगा के सब काम कर रहे हैं देखिए। तो यार वो भी वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगा। तो यार आप समझ में नहीं आ रहा कि एग्जिट कहाँ से, किसी से पूछना पड़ेगा। नहीं आओ हाँ तो यहाँ से जाना है भाई उस तरफ। तो देखिए भाई इस स्ट्रीट से हम यहाँ पर बाहर निकले हैं, और यहाँ बाहर निकलते साथ भाई यहाँ पर भी एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, और कितनी अच्छी छोटी सी मार्केट लगी हुई है लोकल सी, और यहाँ पर भाई सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। तो टैक्सी एक लेते हैं और निकलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से मेट्रो स्टेशन क्या मालूम कहाँ है और कौन सी बस लेना है, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 2.25 घंटा लग जाएगा। टैक्सी से चलते हैं भाई। तो यहाँ पर भाई बार्गेन चल रही है फुल स्पीड, टोल टैक्स फीस। तो ब्रदर डू इट 120। ओके 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 ओके। अभी भाई यहाँ से कितना किलोमीटर दूर जाना है देख सकते हो, लिखा हुआ है 48 किलोमीटर है, 1:10 लगेगा, और टोल टैक्स लगेगा 12 युआन। तो 140 ले रहे हैं, मतलब 1500 करीब ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन नहीं क्या कर सकते, अभी शाम का टाइम भी हो रहा है और 50 किलोमीटर भी है, तो थोड़ा 19-20 चलता है। अगर आप लोगों ने कल देखा था, हम एक्सप्लोर कर रहे थे टेराकोटा आर्मी, और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को दिखाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। अभी है दूसरा दिन, मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक जगह, तो आप लोगों को वो अगले वीडियो में देखने मिलेगी भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग जगह है यार, लिटरली आप लोगों को मज़ा आएगी वो चीज़ देखने के लिए। तो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी और मज़ा भी आई दिखाने, और कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है चाइनीज़ लोगों की यार, मज़ा आ जाती है यार चाइना को एक्सप्लोर करने। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलो नहीं, क्योंकि यार फिर अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को और ऐसे मिलते रहेगा। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मिलते हैं आप लोगों को
अगले और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।